हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी 95। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर दोस्तों आप इंडिया के निवासी हैं और दोस्तों आपने अपना जो ई श्रम कार्ड है भारत सरकार की जो स्कीम के तहत आपने बनवा लिया है, और दोस्तों बनवाने के बाद दोस्तों आपको ई श्रम कार्ड की ओर से जो आपने अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर किया था अपने ई श्रम कार्ड पर, उस पर दोस्तों 3,000 रुपये की जो भी मैसेज वगैरह आ रहे हैं वो दोस्तों क्यों आ रहे हैं, और दोस्तों जो मैसेज वगैरह आ रहे हैं 3,000 रुपये पर मंथ के, तो वो दोस्तों क्यों आ रहे हैं, इसका जो मेन रीज़न है वो क्या है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यही सारी जानकारी देने वाला हूँ। मेरा नाम है दोस्तों नरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी 95। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जाने वाले नोटिफिकेशन और नई जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और आपको वहाँ पर टाइप कर लेना है ई श्रम। जैसे आप ई श्रम टाइप करेंगे तो आपको इस तरह का मुख्य वेबसाइट का जो पेज है आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आप जब इस इंटरफेस पर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह के जैसे मैसेज बहुत सारे जितने भी लोग हैं उन लोगों ने बनवा रखे हैं कार्ड, उनके पास इस तरह के मैसेज दोस्तों यहाँ पर आने लगे हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ 4/300 पेंशन ज्वाइन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना @मानधन.in या विजिट CSC सेंटर, मंथली कंट्रीब्यूशन स्टार्ट फ्रॉम +55। तो यहाँ पर दोस्तों ये कह रहे हैं कि दोस्तों आपने अगर ई श्रम कार्ड बनवा लिया है तो दोस्तों आप उसके तहत एक और दोस्तों जो पेंशन है, जैसे दोस्तों मानधन योजना की जो पेंशन है श्रम योगी मानधन योजना की, उसमें भी अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर मंथली कंट्रीब्यूशन जो स्टार्ट है उसका वो 55 रुपये है, आपके अकाउंट से 55 रुपये कटेंगे और दोस्तों आपको जो पेंशन का जो पैसा है वो 60 साल के बाद आपको 3,000 रुपये मंथली मिलेगा। तो इस तरह के मैसेज दोस्तों आपके पास आ रहे हैं और कुछ लोगों के पास आ चुके हैं। तो अगर दोस्तों आपके पास भी इस तरह के मैसेज आ रहे हैं तो दोस्तों आपको मैं आगे डिटेल बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है ई श्रम रजिस्ट्रेशन का, ठीक उसी के नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है 4/300 प्रति मंथ। तो इस तरह का आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही जो पेज है थोड़ी देर इस तरह से लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है इसके जो दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है वो दोस्तों यहाँ पर आपको खुलकर आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको इसकी जो क्लिक हियर टू अप्लाई वाला एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी जो एज है उसके हिसाब से आपके जो पैसे हैं वो कितने आपके अकाउंट से कटेंगे, तो आपको यहाँ पर डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर इसके फीचर, इसके बेनिफिट डिस्क्रिप्शन, इसके बेनिफिट मंथली कंट्रीब्यूशन और हाउ टू अप्लाई, ये सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले इसके बेनिफिट की। तो बेनिफिट में दोस्तों आपको यहाँ पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, बेनिफिट ऑन डिसेबलमेंट, बेनिफिट टू फैमिली अपडेट एंड एलिजिबल सब्सक्राइबर, बेनिफिट लिविंग पेंशन। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो पेंशन का जो पैसा है वो दोस्तों 60 ईयर के यानी 60 साल के बाद दोस्तों आपको 3,000 प्रति मंथ दोस्तों आपको मिलने लगेगा, ये सारी जानकारी आपको इसमें दी गई है। अगर दोस्तों बेनिफिट अगर उसकी फैमिली में डेथ वगैरह हो जाती है तो उसको दोस्तों उसका जो पैसा है वो दोस्तों उसके जो दोस्तों नॉमिनी होगा उसको मिल जाएगा, और ये सारी जानकारी आपको इसमें लिखी हुई आप इसे रीड भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर मंथली कंट्रीब्यूशन, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर एंट्री एज स्पेसिफिक मंथली कंट्रीब्यूशन, ये सारी जानकारी आपको दी गई है जिसमें आपको यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर एज। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप 18 साल के हैं और दोस्तों आपको यहाँ पर 60 साल तक दोस्तों कितने रुपए देना पड़ेंगे, 18 से 60 साल तक 55 रुपए प्रति माह, और इसमें दोस्तों आपको जो मेंबर मंथली कंट्रीब्यूशन है आपके खाते से 55 रुपए कटेंगे, जिसमें दोस्तों आपकी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट 55 रुपए आपको देगी और आपको आपसे भी 55 रुपए कटेंगे, ये दोनों मिलाकर 110 रुपए कटेंगे, जिसमें दोस्तों आपके खाते से 55 जाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते से दोस्तों यानी 55 रुपए कटेंगे, यानी दोनों मिलाकर 110 रुपए जाएंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सिर्फ ही 55 रुपए देना है। उसके बाद दोस्तों ये पैसा कटकर दोस्तों सीधे LIC में जाता है, LIC से दोस्तों आपको वहाँ पर इसका जो ज्वाइंट है वो दोस्तों LIC से, उसके बाद आपको जो पेंशन का पैसा मिलता है वो दोस्तों 60 साल के बाद 3,000 रुपये प्रति मंथ LIC से ही मिलता है। तो उसका इसी तरह से आप यहाँ पर चेक कर लेंगे कि आपकी एज कितनी है, मान लीजिए आपकी एज यहाँ पर 40 साल है, तो अगर आप 60 साल तक यहाँ पर कराते हैं इसका जो बीमा यानी जो इस श्रम योगी मानधन योजना में, तो आपको यहाँ पर 200 रुपये देने पड़ेंगे, आपके खाते से 200 रुपये कटेंगे और 200 रुपये सरकार देगी, तो 400 रुपये मिलाकर आपके आपके जो भी डिपॉजिट होंगे गवर्नमेंट यानी LIC में। तो इस तरह से आप अपने मंथली कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं।
और दोस्तों आपको अप्लाई करना है तो आपको हाउ टू अप्लाई वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सारी जानकारी यहाँ से रीड कर लेनी है। तो दोस्तों इस तरह से दोस्तों आपकी जो पेंशन का जो जितनी भी मैसेज वगैरह आ रहे हैं आपके मोबाइल फ़ोन पर, तो वो दोस्तों इसी के हैं, श्रम योगी मानधन योजना के। तो दोस्तों कुछ लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि दोस्तों 3,000 रुपये खाते में आएंगे, लेकिन ये दोस्तों सब कुछ फेंक है। मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूँ ये 100% रियल है और दोस्तों सही है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप इस वीडियो से संतुष्ट हो गए होंगे और दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन और नई नई महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नेटवर्क के साथ। तब तक धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।